This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Shalibanda, Hyderabad. After our news gone viral and reached AIMIM, Asaduddin Owaisi and MLA Meraj, Hussain. Today, MLA Meraj, Hussain, along with area corporator Mohd, Arif and Dr. Qaseen, visit the house of handicapped man in Nampally, whose shop was dismantled by some anti-social elements. AIMIM corporator assure all help it and bear all the losses of the shop and provide new items and also request police to take strict action against the goons. Reported by Sheikh Ahmed and cameraman Shaukat. पेश आया हूँ इसको जो है बराबर फॉलो अप हम लोग कर रहे थे और यहाँ पर जिन लोगों ने उमर पर और उनके घर वालों पर जिस तरीके की बदतमीजी या शरंगेजी जो किए हैं उसके ऊपर हम लोग कल ही जो है इनके ऊपर केस बुक करवाने के लिए वहाँ पर जाकर नुमाइंदगी कर चुके थे निकोलम और उसके बाद इस पर जो है आज हम इनसे यहाँ पर इनका क्या नुकसान हुआ उसके ताल्लुक से देखने आए तो हमने फोन दिया है क्योंकि सदर साहब की हिदायत और जो है एमएलए साहब ने हमको यहाँ भेजा और फिर हमारी एरिया में ऐसे काम जब होंगे तो हम जरूर जो है हम मजलूम का जरूर साथ देंगे और यहाँ जो भी इनको जो नुकसान हुआ है उसकी जो है हम हमारी तरफ से जो भी मदद होनी है हम जरूर करेंगे और ये पुलिस से भी हम जाकर पहले एफआईआर हो चुका है उस पर हम मजीद उनको ये बताएंगे कि भाई इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए जो भी यहाँ के लोग यहाँ के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और यहाँ मेरे साथ मौजूद यहाँ के हमारे सरपरस्त बड़े नसीर भाई जो ए बैटरी मस्जिद के सदर हमारे साथ मौजूद है रियाज भाई है नईम भाई है और मेरे साथ ही डॉक्टर कासिम साहब है तो मैं आप तमाम से ये बात बताता चलूँ कि हम जरूर जो है इनके साथ खड़े हैं और आगे रहेंगे और उमर आप परेशान मत होइए हम जरूर आपके साथ हैं ऐसे ऐसे अनासिर को जो है जरूर हम जो है सबक सिखाएंगे और कानूनी दायरे के अंदर शुक्रिया बहुत कल है कि कल से जो है दो दिन से देखा जा रहा है कि न्यूजों में और टीवियों पे भी बताया जा रहा है कि आवाम में ये तहलचा मचे हुई है कि नामपली पे यहाँ पर ये शख्स के साथ बहुत नाइंसाफी हुई इनकी फैमिली के साथ तो वो शख्स के ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की गई है और आपकी एमआईएम की पार्टी की तरफ से आप लोग की इनके लिए क्या मदद की जा रही है थोड़ा सा इसके बारे में मैं अभी बता चुका हूं और फिर से आपको ये बात बता दूं कि हम लोग जिस तरीके से हर जगह जहां मजलूमियत होती है एमआईएम पार्टी खड़ी होती है मजलूमों के साथ और यहाँ पर भी पिछले दो दिन से हम जो है इनके साथ जो है बिल्कुल पूरा ताउन कर रहे हैं और एफआईआर बुक हो चुका है जो गुंडे अनासिर यहाँ पर इनके पास गड़बड़ किए हैं उनके ऊपर एफआईआर भी बुक हो चुका है उसका ये एफआईआर है और हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इंशाल्लाह उनके ऊपर और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि यहाँ पर फिर से जो है ऐसा माहौल क्रिएट ना करे और एक सवाल ये था कि यहाँ पर जब आप आए तो यहाँ इनके घर को देखे तो इनको कुछ जानी या माली नुकसान कुछ हुआ है उसके बारे में हाँ जरूर जो है आप देख सकते हैं कि भाई इनको नुकसान हुआ है और इसका जो भी नुकसान हुआ है हम जो है इंशाल्लाह हमारी पार्टी की तरफ से जो हो सकता है हम जरूर इनको मदद करेंगे और हमारा इसमें साथ दिए यहाँ के मुकामी साथी है हमारे नसीर भाई है प्रेसिडेंट है और नईम भाई है और साथ में जो है जिगर अफराद है सनाबेर है ये और मेरे साथी डॉक्टर कासिम साहब है इंशाल्लाह जरूर जो है हम ये देखेंगे कि आगे ऐसी चीजें जो है फिर से जो है